हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी मेकअप लुक। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। और इस मेकअप लुक को गाइज कोई भी ईजिली कर सकता है। बहुत आसान तरीके से मैंने आज इस मेकअप लुक को किया है, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा गाइज। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज़ गाइज मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। सो गाइज, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी मॉइस सॉफ्ट मॉइस्चराइजर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये फेस प्राइमर। ये प्राइमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और अब मैं आप ये देख सकते हैं आज का जो मेकअप लुक करने जा रही हूँ ये है स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन और इल्यूमिनेटर। इन दोनों को मिक्स कर मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। तो उससे पहले गाइज मैं इस इल्यूमिनेटर को अपने फेस पर लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ एक या दो ड्रॉप ही लिया है इसे, और पहले मैं इस इल्यूमिनेटर को अपने फेस पर लगाऊंगी, फिर इन दोनों को मिक्स कर लगाऊंगी मैं अपने फेस पर। तो ये देखिए, मैंने फाउंडेशन को और इल्यूमिनेटर को दोनों को मिक्स कर लगाया अपने फेस पर, ताकि मेरा मेकअप लुक जो है और ज़्यादा अच्छा दिखे और ग्लोई दिखे। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया है अपने फेस पर फाउंडेशन और इल्यूमिनेटर को मिक्स कर, और अब मैं इसे एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इसे लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का कंसीलर, और इसे मैं अपनी आईलिड पर लगा लूँगी इस तरीके से, और जहाँ भी मुझे हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स हैं और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ मैं लगा रही हूँ। और इसे मैं ओवल ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस, सभी मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इन सभी का मैंने रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट मैं ये ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, और इस तरीके से मैं आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। और अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा सेट कर लूंगी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को और डिफाइन कर लूंगी, ताकि मेरी आईब्रोज और ज्यादा खूबसूरत दिखे। अब मैं ये हिलेरी रूहुडा के आईशैडो पैलेट से ये लाइट ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये लाइट पीची सा शेड है, आप देख सकते हो। इसे मैं क्रीज लाइन पर लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं ये स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर ले रही हूँ, और एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे पूरी आईलिड पर लगा लूँगी इस तरीके से, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और इसे मैं अच्छे से पूरी आईलिड पर स्प्रेड कर लूँगी, और ये बहुत ही अच्छे एक बेस की तरह मैं लगा रही हूँ, ताकि ये एक बहुत अच्छे बेस का काम भी करेगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं शिमर शेड लगाऊंगी वो और ज़्यादा उभर कर आएगा और खूबसूरत भी दिखेगा। तो अब मैं ये बरगंडी कलर का शेड ले रही हूँ हुडा ब्यूटी के पैलेट से, और इसे मैं क्रीज लाइन पर इस तरीके से एक बार और लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अगर इसके साथ गाइज ये ब्लैक कलर का जो मैंने शेड लगाया है ब्लेंड हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी आईज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी। और अब मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ले रही हूँ ये शिमर शेड, और ये मैं लाइट ग्रीन कलर का शेड ले रही हूँ, और इसे मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा लूँगी। और अब जहाँ भी थोड़ा बहुत रह गया है वहाँ पर मैं इसे फिल कर लूँगी इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से। तो ये देखिए, मैंने आई शेडो लगा लिया है, और जो भी फॉल आउट हुआ है उसे मैं रिमूव कर लूँगी इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर, और मैंने यहाँ पर गाइस बहुत ही स्मॉल सा विंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी लगा सकते हो। और इसी जेल आईलाइनर को मैं काजल की तरह नीचे लगा लूंगी।
और इसके बाद मैं सेम ये ग्रीन कलर का शेड लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं एक ये पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ शिमर शेड। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। और गाइज मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेशियल और मेकअप प्रोडक्ट्स रिव्यू, तो सभी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यहाँ पर मैं अपने फेस को कंटोर कर लूँगी इस कंटोर स्टिक की हेल्प से। ये क्रीम कंटोरिंग कर रही हूँ मैं अपने फेस पर, और ये स्विस ब्यूटी की कंटोर स्टिक है। और गाइज आप सोच रहे होंगे कंटोर स्टिक का कलर आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, क्योंकि गाइज जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो उस वक्त शेड जो था वो कुछ और नज़र आ रहा था, तो मुझे लगा यही मेरा परफेक्ट शेड है, लेकिन जब मुझे रिसीव हुआ तो वो कुछ और प्रोडक्ट था। तो इसीलिए मतलब इसका कलर जो आपको चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट शेड नहीं है। तो अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश लगा लूँगी। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ यूजल दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और अब मैं ये क्रीम हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये भी स्विस ब्यूटी का ही है, क्योंकि ये 2-in-1 स्टिक थी। एक तरफ इसकी कंटोर स्टिक है और एक तरफ हाइलाइटर है इसके, तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप लाइनर। गाइज जब भी आप कोई लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो लिप लाइनर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी लिपस्टिक जो है काफ़ी बार वो इधर उधर फैल जाती है जब भी आप कुछ खाते हैं, तो इसलिए लिप लाइनर ज़रूर लगाइएगा। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की रेड कलर की लिपस्टिक है ये। आप अपने अकॉर्डिंगली भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली शेड लगा सकते हैं, जो भी आपको लिपस्टिक का शेड पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का टॉप पहना है, मैं यहाँ पर रेड कलर का ही लिपस्टिक लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मेकअप फिक्सर लगा लूँगी। सो गाइज अभी मैंने यहाँ पर लगा लिया है ऑफ कैमरा, अपनी फेक आईलैशेस लगा ली है मैंने। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा। कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और हाँ, ये ज़रूर बताएगा कि आपको मेरे ईयरिंग्स कैसे लगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और गाइज एडवांस में आपको मैरी क्रिसमस। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।